दोस्तों मैं हूं आपका स्वागत नई वीडियो देखिए आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है बजाज एवेंजर क्रूज 220 की हम बात करते हैं, वहीं पे बजाज एवेंजर स्ट्रीट 220 की हम बात करते हैं। तो देखते हैं दोनों बाइकों के अंदर क्या क्या चीज इंजिन है या क्या क्या चीजें हैं। तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड DS6 FI आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो आपको निकाले जाएगा बजाज एवेंजर वो निकाल के देगा 19.3 PS की पावर निकाल के देगा एट 400 RPM पर। वहीं पे अगर हम देखा जाए कि मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देखा तो 7.5 न्यूटन मीटर का। अगर हम बात करें बजाज एवेंजर की तो इसके अंदर आपको स्ट्रीट के अंदर आपको जो निकाल के देगा वो 19.3 PS की पावर निकाल के देगा एट 8400 RPM पर। वहीं पे आपको टॉर्क निकाल के देगा 7.5 न्यूटन मीटर का एट 7000 RPM पर। दोनों ही बाइकों के अंदर देखा जाए तो आपको चैन ड्राइव मिलने वाले दोनों बाइक पेट्रोल, यानी कहने का मतलब है दोनों ही बाइकों का इंजन जो है वो टोटली सेम है। DTSI आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। वहीं पे अगर देखा जाए कि इसके अंदर आपको ब्रेक्स तो दोनों ही बाइकों में आपको फ्रंट में डिस्क मिलेंगे और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। और आपको ये जो बाइक है आपको सिंगल चैनल ABS में, जो पीछे जो होगा वो आपको वो सेंटर प्लेटेड मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी बाइक की जो वो ब्रेकिंग पावर है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। दोनों ही बाइकों को बहुत ही ध्यान से 55 तक का माइलेज निकाल के देखिए, डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो, क्योंकि ये जो बाइक है भगाने वाली बाइक नहीं, 55-50 तक का तो आपको माइलेज बड़े ही प्यार से निकाल के दे देगी। तो यही कुछ चीज़ें सोचा आप लोगों के सामने शेयर कर दूँ। सभी भी समय चला करो सब्सक्राइब करना, जरूर सब्सक्राइब।